सूची जारी की गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इनेलो ने भी सूची जारी की है। तो एक और लिस्ट इनेलो की ओर से जारी कर दी गई है, जहां पर इनेलो ने 11 और नामों की घोषणा की है। तो 11 और उम्मीदवार इनेलो की ओर से घोषणा कर दी गई है। आज नामांकन की आखिरी तारीख है और इनेलो ने भी एक और सूची जारी कर दी है। तो इनेलो की ओर से 11 उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। फतेहाबाद, डाबावाली, टोहाना, जुलाना, मुलाना, पुनहाना, नू पेहोवा, नीलोखेड़ी, फिरोजपुर, झिरका और इसराना से इनेलो ने अपने 11 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। और आपको बता दें, फतेहाबाद की अगर बात करें तो श्रीमती सुनैना चौटाला फतेहाबाद से इनेलो की ओर से चुनाव लड़ती नजर आएंगी। मंडी डाबावाली की अगर बात करें तो आदित्य चौटाला इनेलो की ओर से चुनावी मैदान में है और टोहाना से कुणाल करण सिंह चुनाव लड़ते नजर आएंगे। जुलाना से सुरेंद्र लथार चुनाव लड़ते नजर आएंगे। इनेलो की ओर से 11 नामों का ऐलान किया गया है और आपको बता दें, आज नामांकन की आखिरी तारीख है। मुलाना से श्री प्रकाश भारती इनेलो के प्रत्याशी हैं और पुनहाना से श्रीमती दया भड़ाना इनेलो की ओर से चुनाव लड़ती नजर आएंगी। नू से श्री ताहिर हुसैन चुनाव लड़ते नजर आएंगे और पिहोवा से बलदेव सिंह वराज चुनाव लड़ते नजर आएंगे। तो वहीं नीलोखेड़ी से बलवान वाल्मीकि इनेलो के प्रत्याशी हैं। फिरोजपुर झिरका से मोहम्मद हबीब हबनागेर इनेलो के प्रत्याशी हैं और इसराना से सूरज भान नारा इनेलो की ओर से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। तो इनेलो की ओर से 11 उम्मीदवारों की ये सूची जारी कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज नामांकन का आखिरी दिन है और लगातार अब प्रत्याशियों की घोषणा पार्टियों की ओर से की जा रही है। और इसी कड़ी में इनेलो की ओर से भी 11 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। फतेहाबाद, डाबावाली, टोहाना, जुलाना, मुलाना, पुनहाना, नू पिहोवा, नीलोखेड़ी, फिरोजपुर झिरका और इसराना से इनेलो ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। और साथ ही फतेहाबाद से सुनैना चौटाला इनेलो की ओर से प्रत्याशी घोषित की गई हैं। तो मंडी डाबावाली से आदित्य चौटाला चुनाव लड़ते नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इनेलो ने अपनी एक और सूची जारी कर दी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बताते हैं, जहां पर हरियाणा में नामांकन का आज आखिरी दिन है। कल नामांकन पत्रों की